रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज का हमारा जो सफ़र है वो बाइक पर सफ़र है, सियालकोट से दरबार बाबा शादी शहीद, जो कि भिम्बर आज़ाद कश्मीर में वाक़िया है। तो यहाँ की जो सीनरी है उसके बारे में हमने बहुत सुना था। वाकई में जो हमने जब यहाँ पर ट्रैवल किया, बिम्बर्स में एंटर हुए, तो यहाँ पर हमें जो बारिश है वो यहाँ पे आके शुरू हुई थी। इससे पहले सियालकोट से यहाँ तक का जो सफ़र था, जो आप सीन देख रहे हैं, यहाँ तक मौसम बिल्कुल क्लाउडी था लेकिन बारिश नहीं थी। जैसे ही बिम्बर में हम एंटर हुए तो माशाल्लाह, ये देखें आज हम माशाल्लाह के बादलों के बीच में से गुजर रहे हैं। सेम मरी वाला सीन यहाँ पर बना हुआ है आज़ाद कश्मीर पर। कह लें कि बहुत ही ड्रामेटिकल मौसम बदल में चेंज हो गया। ये बाइक पर सफ़र था हमारा, मैं था, मेरे साथ मेरे कज़न थे, दोस्त थे। तो प्लान किया कि आज़ाद कश्मीर घूमने जाना है। और सियालकोट से इसका जो सफ़र है अप्रॉक्सीमेटली वो तकरीबन 115 किलोमीटर के आसपास है। और ये दो रास्ते जाते हैं, एक आप गुलवाल एयरपोर्ट रोड है, वहाँ से शिमालपुर ब्रिज को क्रॉस करते हुए सियालकोट के टाउन से आगे गुजर जाते हैं। दूसरा ये हैडराला से आगे टांडा से आगे फिर ये जलालपुर के टाउन, वहाँ से आगे फिर ये रोड जाती है, आगे कोटला आता है, कोटला के बाद फिर भिम्बर आता है, और भिम्बर सिटी के फिर आगे तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे फिर जो है पहाड़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके वो बाबा साहब का दरबार है जी। तो उनके बारे में हमने यही सुना है कि वो बहुत मशहूर दरबार है, काफ़ी लोग वहाँ पर जाके अपनी मन्नतें जिन्होंने मानी होती हैं वो उनको जाके पूरा करते हैं, और वहाँ पर बकरे वगैरह ज़िबह किए जाते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादातर बकरे हैं और रोटी होती है साथ। वहाँ पर बैठने के लिए कमरे बने हुए हैं, प्रॉपर सिटिंग का अरेंजमेंट है, मस्जिद है, दरबार है, उसका अहाता है, तो काफ़ी वहाँ पर फैसिलिटीज हैं। इसके साथ साथ दरबार के साथ बाजार भी है, पार्किंग स्टैंड है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। और जैसे वहाँ के पास थिएटर आता है, हमारा बहुत ही खुशगवार सफर था। बारिश की वजह से मौसम बहुत वैसे जो खुशगवार हो गया, जैसा कि हम वहाँ देख भी सकते हैं, और इतना इस तरह के क्लाउड्स हैं कि जो पहाड़ियाँ की चोटियों को टच कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं वाइट कलर है, ये सब में फॉग नहीं, ये क्लाउड्स हैं। और ये भी एक बात कहने के लोगों की शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम रहा, बहुत इंजॉय किया, और सफ़र हमारा जारी है। ये हम बिल्कुल इसके दरबार के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं जी। बहुत हाइट पर ये दरबार है, और वहाँ से आगे जब हम ये जो भिम्बर शहर है इसको क्रॉस करके आते हैं, इसमें से गुजर के आगे दरबार पर जाते हैं। जब हम दरबार पर जाएं तो आप नीचे देखेंगे तो आपको पूरा शहर नज़र आएगा। ये अभी हम दरबार की धूप में दाहन होने वाले हैं। ये पार्किंग स्टैंड है, यहाँ पर फीस ली जाती है, और ये दरबार है जी। ये पार्किंग स्टैंड है साथ में वो, और ये इसके साथ जो इर्द गिर्द के ये व्यूज़ हैं, तो यहाँ से पूरा भिम्बर सिटी जो है वो नज़र आता है जी क्लियर।
بہت ہی خوبصورت ان پہاڑوں کی جو کہہ لیں کہ شکل ان کی بنی ہوئی ہے، ان کی جو شیپ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اور گرین درخت ہے یہاں پر ہرے بھرے، ہر طرف دور دور تک گرینری آپ کو نظر آئے گی. جیسا کہ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت یہاں پر پہاڑ ہیں، ان کے اوپر یہ درخت ہے، اور ان کی شیپ دیکھیں. جب آپ ریئل میں وہاں پر جا کے دیکھیں گے تو آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی. یہ ایک باز ہے، وہ یہاں پر فلائی کر رہا ہے جی. یہ پارک ہے بچوں کے لیے، پنگورے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ سارا یہ دربار کا ایریا ہے. یہ بازار ہے، یہ ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بازار ہے دربار کے ساتھ. یہاں پر مٹی کے کھلونے ہیں، لکڑی کے، پھر اس کے علاوہ بچوں کے لیے ٹھیک ہے کھانے پینے کے اسٹال لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ یہاں پر کھانے پینے کی تمام چیزیں آپ کو بیف، مٹن، چکن، سبزی، باربیکیو اور چاول، روٹی، کولڈ ڈرنکس اور ہر طرح کی چیز یہاں پر دستیاب ہے. اور یہ بیٹھنے کے لیے، سٹنگ کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں، جو کہ محکمہ اوقاف کے اندر یہ دربار ہے، تو یہاں پر پراپر سٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مسجد ہے. یہ سارا بازار ہے جی. یہ بازار سے، یعنی یہ ٹاپ سے دربار کا جو ٹاپ ہے وہاں سے یہ سڑک اوپر یہ دربار چڑھاتی ہے. ابھی یہ بنگلہ شروع ہو گیا جی، اس کو آپ بھی انجوائے کریں.
सारा दरबार का व्यू है। और अब हम यहाँ से वापस निकल आए हैं दरबार से, अब ये नीचे वापस हम ऊपर की तरफ जाएंगे और वहाँ से आगे फिर कोटला, कोटला से आगे फिर गुजरात में हम इंशाल्लाह दोबारा पहुँच जाएंगे जी। काफ़ी लंबे लंबे दरख्त है यहाँ पर, जैसे बकरियाँ और जानवर लोगों का सोर्स है, आमदनी का सोर्स है। तो ये जस्ट हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो इसकी सीनरी है, ताकि आप लोगों को पता चले, अगर आपका इरादा हो ट्रैवल करने का तो आप भी इंशाल्लाह इस पूरे सफ़र को, जैसे ही आप भिम्बर में एंटर होंगे तो आप इंशाल्लाह इस पूरे सफ़र को जो सीनरी है इसको एंजॉय करेंगे। तो बड़ी एहतियात के साथ ज़्यादा स्पीड से नहीं आना, क्योंकि गाड़ी पहले ही नीचे की तरफ आ रही है, तो बिल्कुल कंट्रोल्ड इसको गाड़ी चलानी है। अल्लाह ना करे कहीं स्लिप हो जाए, तो जब चलते हैं फिर तो ठीक है, जब नीचे उतरे से आगे, फिर ये दरबार से आगे आगे आता है आसमानी इलाका, आसमानी, उसके बारे में सुना है कि वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो एक मैदानी इलाका है पहाड़ों के बीच में, उसका हम वापस गुजरात से गुजर चंडा से विश्वास यहाँ से आगे से फिर वो तो ये कुछ हमने जो रैंडम क्लिक फ़ोटोज़ हैं वो ऐड की हैं, ताकि आपको वाजिया हो कि यहाँ पर सीनरी कैसी है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।